ब्लॉगिंग छोड़ दी हूँ, मेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं है। शॉपिंग के लिए गई थी दिल्ली और आप लोग के लिए सरप्राइज रखी हुई लहंगा, क्योंकि नवंबर में मेरा शादी है। बट बोलूँ तो वीडियो सही ढंग से मैं अपलोड भी नहीं कर रही थी। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइज कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज कैसे हो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी फ़िलहाल देखो मैं आ गई हूँ छत पे और धूप देखो कितनी तेज़ है। अभी 11 बज रहा है और मैं और टुक टुक है यहाँ पे, और अभी हम लोग आकर फ़ोटो शूट कर रहे थे। देखो वो ट्राईपॉड रहा और मेरा सारा फ़ोटो ना ये लड़की शूट की है। देखो ये टुक टुक शूट की है मेरा सारा फ़ोटो। गाइस बहुत ही अच्छा अच्छा फ़ोटो शूट की है। तो मैं फ़ोटो अपलोड करूँगी इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी, तो आप लोग देख कर बताना कि कैसे शूट की है टुक टुक। मैं ट्राईपॉड में लगा देती हूँ और ये शूट कर लेती है। एंड गाइज नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो गाइज़ मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, कम से कम 15 दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और बहुत सारा कमेंट भी था, आप लोग का क्वेश्चन भी था कि आपके शादी का डेट कब है और शॉपिंग कहाँ से रही। तो आज मैं इस ब्लॉग में सारा क्लियर कर दूँगी। फिलहाल मैं अभी चलती हूँ नीचे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो गया है यार। और मैं मिलती हूँ फिर ब्लॉग रील शूट करके। ओके, तब तक आप लोग वेट करना। और फिलहाल घर में भी काम चल रहा है और शादी में मतलब इतना समझ लो आप लोग कि ज़्यादा टाइम नहीं है, बस एक मंथ है। और घर का पेंट वगैरह और घर में भी काम चल रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ इस ब्लॉग में, टोटल बताऊँगी आप सभी को। तो कैसे भी चल रहा है नवरात्रि के सीजन, तो सबके घर में अभी 10 दिन तक पूजा वगैरह होगा। तो आप लोग कमेंट में जल्दी से जय माता दी लिख दो और जल्दी जल्दी से मैं पूजा करके चलती हूँ नाश्ता करने के लिए। तो देखो नाश्ते में मैं केला और सेव खा रही हूँ, फिर भी यार मैं मोटी नहीं हो रही हूँ। सब लोग बोलते हैं कि दूध केला खाने से लोग मोटा हो जाता है, तो फिर भी यार मैं नहीं हो रही हूँ। अब क्या बताऊँ, पतला होने के एक ही फ़ायदा है, कितना भी ठूस ठूस के खा लो फिर भी आदमी मोटा नहीं होगा। और मैं जल्दी जल्दी से चाय बना रही हूँ, फिर जल्दी जल्दी से चाय बिस्कुट भी खाना है मुझे। और वो नाश्ता करने के बाद से मैं आ गई खाना बनाने, और आज खाने में रोटी बनेगा। और रोटी मैं बनाती हूँ इस तरीक़ों से, आप लोग देख सकते हो, मुझे भाई पसंद है ऐसे ही, मुझे अच्छा लगता है बनाना। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। और इधर सब्ज़ी देख सकते हो, काफ़ी यमी लग रहा है ना, मिक्स सब्जी है। एंड गाइस इधर दूध उबालना बाकी है अभी, और दोपहर के समय में मैं बनाऊंगी चावल दाल और फिर से सब्जी बनेगा, इतना सब्जी से नहीं हो पाएगा दोपहर तक। और घर का पेंट का काम ये फिनिश हो गया है छत पर का, और अभी नीचे का रूम वगैरह सारा टोटल बाकी है, अभी छत पर का बरांडा वगैरह नहीं हुआ है। तो इधर का व्यू आप लोग देख सकते हो, अभी इस रूम में पलंग वगैरह सारा टोटल फिनिश करना है। और नीचे गेस्ट रूम का आप लोग माहौल देख लो, वो वही पलंग है जो खरीदाया था मेरे शादी के नाम पे। और यहाँ पे लाइन का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पलंग लगा था तो ये नीचे वाला बोर्ड दब गया था, तो इसको साइड करना है। टोटल सामान बिखरा पड़ा हुआ है चारों तरफ, क्योंकि ऐसा माहौल ही है अभी, पेंट का काम चल रहा है इसी वजह से। और आज पेंट बंद है, कल से लगेगा। और अभी देख सकते हो बाहर तक पलंग का सामान रखा है, और ये गाय का चारा है। और अभी घर का हालत देख लो आप लोग। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो इधर घर के बाहर अभी पेंट का काम नहीं लगा है, कुछ दिनों बाद इधर भी लगेगा, क्योंकि भी पहले अंदर का फाइनल हो जाए उसके बाद से बाहर का लगेगा, बाहर का कलर होगा। चलिए गाइस ब्लॉग पर बने रहो, और अभी मैं चलती हूँ छत पे, वहाँ पे एक बोरी रिसीव करना है। फिलहाल छत पे चल के मिलती हूँ, बहुत सारी बातें भी करना है आप लोगों से। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है चारों तरफ। तो कैसे देख सकते हो आप लोग, घर के पीछे भी इधर काम लगा हुआ है, और आप लोग देख सकते हो इधर तो और ही ज़्यादा बिखरा पड़ा है, अजीब लग रहा है यार। बट ये जब सारा फिनिश हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो एक मंथ टाइम है, जल्दी जल्दी से काम हो रहा है। तो गाइज आप लोग ये देखो, जिससे हम लोग पढ़ाई किए हैं, और बहुत ज़्यादा हम लोग को नींद लगता था पढ़ाई करते टाइम बचपन में, कौन कौन ये यूज़ किया है कमेंट करके बताना आप लोग जल्दी। ये लालटेन है क्या, कमेंट करके बताओ जल्दी से। ये मेरे घर में था कहीं, पेंट हो रहा था तो सारा सामान निकला, और लड्डू और टुकटुक का मस्ती देख लो। तो गाइस मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, वो भी 15-20 दिनों बाद से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं शॉपिंग के लिए गई थी दिल्ली,
और आप लोग के दिमाग है मतलब कमेंट पूछ रहे थे कि आपने लहंगा कैसा लिया, लहंगा ले लिया कि नहीं, तो मैं लहंगा ले ली हूँ। और आप लोग मैं बता दूँ, आप लोग पूछ रहे थे कि शादी की शॉपिंग आप कहाँ कहाँ से कर रहे हो, तो मेरा शादी की शॉपिंग कुछ हुआ है दिल्ली से, और दिल्ली से सिर्फ मेरा ही शॉपिंग हुआ है, लहंगा वगैरह और कुछ कुछ आप लोग समझ सकते हो। एंड अभी कुछ शॉपिंग होगा गांव से, मतलब सिवान से हो, महाराजगंज से हो, जनता से हो, जहाँ से भी हो, मतलब एक जगह से तो नहीं होगा, बहुत सारा सामान अभी बाकी है ख़रीदना। एंड गाइस अभी जैसे कि मैं जिस दिन दिल्ली गई थी ना, उसी दिन से जोरों की बारिश शुरू हो गई थी, लगता है मतलब एक दो दिन मौसम सही था, उसके बाद से मतलब इतना बारिश यार, जितना दिन मैं दिल्ली में रुकी थी उतना दिन बारिश ने हद कर दी। और जब से मैं गांव आ गई हूँ ना, वहाँ आते ही बारिश वहाँ की थम गई है, क्या बताएं आप लोग को। और मैं बहुत मतलब हाँ, मैं लहंगा ले ली हूँ, आप लोग टेंशन ना लो। और मैं लहंगा का फ़ोटो ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वो आप लोग के लिए सरप्राइज़ रहेगा। और आप लोग मेरा लहंगा जो शादी के दिन देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा लहंगा देखने में कैसा है। एंड मैं आप लोग के लिए सरप्राइज़ रखी हूँ लहंगा, क्योंकि वही तो है जो मैं सरप्राइज़ रख सकती हूँ, आप लोग को दिखाऊँगी शादी के दिन देखकर। आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरा लहंगा कैसा लग रहा है आप लोग को। और आप लोग को जानना है कि शादी का डेट कब है, तो नवंबर में मेरा शादी है, बट डेट मैं अभी नहीं बताऊँगी, वो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, मेरा स्पेशल ब्लॉग आएगा, उसमें आप लोग देखना। और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करिए। बहुत लोग के घर पूजा वगैरह होता होगा, 10 दिन फास्टिंग रहते होंगे आप लोग, मेरे घर भी होता था बट अब नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है नवरात्रि के टाइम ही मेरे दादाजी डेट किए थे 10वीं के दिन, 2 साल हो चुका है मेरे दादाजी को डेट किए हुए, इसी वजह से मेरे घर में नवरात्रि का फेस्टिवल उतना धूमधाम से नहीं मनाया जाता है। और ठीक 1 साल बाद मेरी दादी भी सेम डेट पे डेट कर गई। एंड गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और जैसे कि घर में बहुत सारा काम हो रहा है, अभी 1 मंथ है अभी शादी में, समझ लो कितना ज़्यादा काम है। मैं ब्लॉग भी नहीं कर रही हूँ, बट कोशिश करूँगी कि ब्लॉगिंग करूँ। और बहुत लोग को तो दिमाग में ये चला गया है कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ दी हूँ, मेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं है ऐसा, मतलब ऐसा यार बोल रहे हैं लोग, बोल के मेरा भेजा ख़राब कर दिए हैं लोग। एंड गाइस आप लोग ब्लॉग को इन्जॉय करो, और मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, जल्दी से मैं रील शूट कर लूँ, नहीं तो ये ब्लॉग बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तब तक के लिए अभी मैं फ़िलहाल ब्लॉग को करती हूँ द एंड, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।